तुम्हें पूरा हक है, तुमको जो सजा देनी है मुझे दे दो, चीखो चिल्लाओ मारो मुझे, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ करो। नहीं, मैं आपका थैंक यू एक्सेप्ट करूंगी और ना ही सॉरी। आप तो मेरा उसूल जानते हैं ना, आप वालिया मैंशन में जाकर मिस्टर वालिया को राखी जरूर बांधें, ये बानी का वादा है। आपका भरोसा करके जिंदगी भर जेल में ही सकते। क्यों ना हमारे घर में शुद्धिकरण कराई जाए, पिछले दिनों घर में बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत नेगेटिव वाइब्स है घर में। मुझे खुशी है कि इस घर के बारे में कोई तो अच्छा सोच रहा है। मिस्टर वालिया यहाँ खड़े हैं, नीचे सब। क्या हुआ? आज रक्षाबंधन है ना, आपको जिज्ञासा आंटी की याद आ रही है ना? हाँ, आज उसकी याद जरा ज्यादा आ रही है। कुछ यादें होती ऐसी हैं, जितनी भी कोशिश करो भुलाने के लिए वो यादें साथ छोड़ती हैं। मिस्टर वालिया, सुख और दुख तो जिंदगी के साए हैं, हम हमेशा दुख को याद करते हैं, खुशियों को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, हमेशा मीठी यादों को याद करना चाहिए, मीठी बातों को अपने दिल में रखना चाहिए। दुखों को प्लीज अपने दिल से निकाल दीजिए। कैसे बताऊं प्रणीता कि जिज्ञासा और मेरे बीच क्या क्या हुआ? मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए, मेरी बहन पर उस गुनाह का इल्जाम लगा जो उसने किया ही नहीं था, और बानी भी मुझसे दूर चली गई। और इन सारे गमों के मुकाबले कोई भी खुशी हो फीकी पड़ जाती है। और तुम्हें यह सब बता भी तो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें कैसे दुख दे सकता हूं मैं? तुम तो मेरी जिंदगी में बस खुशियां लाने की कोशिश ही तो कर रही हो। मैं जानती हूं मिस्टर वालिया कि आपके दुख बहुत बड़े हैं, पर मुझे खुशी है कि आज आपकी रूठी हुई खुशियों में से एक खुशी मैं आपको लौटाऊंगी। आज रक्षाबंधन का दिन है, आज किसी भी भाई की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए और ना ही आपकी रहेगी। आज आपकी बहन आपको राखी जरूर बांधेगी। चलिए नीचे चलिए। प्रणीता तुम जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको मम्मी जी की बहुत याद आ रही है, लेकिन जरा सोचिए अगर इस वक्त मम्मी जी यहाँ पर होती और आपको ऐसे परेशान देखती तो कितना डांटती। और मैं तो आपको उनकी तरह नहीं डांट सकती हूँ, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। प्लीज मामा जी थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात, क्या हुआ वो मम्मी जी यहाँ पर नहीं, लेकिन हम उन्हीं की तरह ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हर बार की तरह मैं आपको राखी बांधूंगी और आप मुझे गिफ्ट देंगे, और अगर आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया ना तो जब मम्मी जी घर वापस आएंगी तो मैं उनसे आपकी शिकायत करूंगी। और बस बस बस, तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास रेडी है। क्या सोच रही हो रानू? नहीं बस ऐसे किसी की याद आ गई, मेरे कोई भाई नहीं है, बस तो बहनें थी और उन्होंने कभी भी मुझे भाई की कभी महसूस नहीं होने दी। हमेशा हर जीत लूंगी, हमेशा मेरा ख्याल रखा, पर आज मैं उन दोनों से दूर हूँ। I really miss them, Pranita. काश बानी दीदी यहाँ होती आज। ये पेंडेंट जो आपने मुझे दिया था ये मुझे मेरी बानी दीदी की याद दिलाती है, क्योंकि बहुत साल पहले उन्होंने मुझे भी एक ऐसा ही गणपति गिफ्ट किया था और उन्होंने कहा कि गणपति जी हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने हर रिश्ता निभाया, कभी माँ बनी
कभी दोस्त, कभी भाई, कभी परिवार। आज पूरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन फिर भी दीदी के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। I'm so sorry. दीदी के बारे में बात करना शुरू करूं ना, मैं चुप ही नहीं होती हूँ। अब नीचे चलते हैं, पंडित जी आए हैं घर की शुद्धिकरण के लिए। चलिए। ये सब क्या है बानी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब मैं इस तरह से क्यों तैयार हुई हूँ? ऊपर से कूलर रखने कह रही हो, क्या प्लान है तुम्हारा? आज मैं घर में सबको बोल कर आई हूँ कि आज मैं घर का शुद्धिकरण करवाने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये शुभ काम आपके हाथ में। Have you lost it? मैं वाले मेंशन में जाऊंगी, सबको पता चल जाएगा, वो लोग मुझे देख लेंगे, मैं नहीं कर सकती ये सब। जिज्ञासा आंटी, आप घबरा रही हैं? मैं जानती हूँ आप घबरा नहीं रही हैं। 16 साल के बाद सबसे मिलेंगी, सबको पहली बार देखेंगी, पास से, नजदीक से, इसलिए आपको नर्वसनेस हो रही है ना? अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं संभाल लूंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम कर लो ना ये सब। मैं मिस्टर वालिया को राखी बांधूं? राखी बांधने की बात नहीं है, पर आप क्यों घबरा रही हैं? कुछ नहीं होगा। जिज्ञासा आंटी, मैं चाहती हूँ कि ये शुद्धिकरण आप ही के हाथ में हो। आपने उन सबके लिए इतना सहा है, 16 साल तक उनसे दूर रही हूँ। दूर तो मैं भी रही थी, लेकिन आपने मुझसे ज्यादा सहा है। दूर से उन लोगों को देखती रही, 16 साल तक कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं मिली। मैं जानती हूँ कि उन सब लोगों से मिलने के लिए आप कितना तरस रहे हैं। मैंने सोच लिया, घर का शुद्धिकरण मैं आप ही के हाथ में, और प्लीज हिम्मत कर लीजिए, नहीं तो आपको सब पहचान जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक, और ये पकड़ लीजिए। पंडित जी आप ही चलिए। चलो, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। 16 सालों के बाद अपने ही घर में मैंने कदम रखा है पानी। 16 साल बाद मेरे इस परिवार को देख रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज का। थैंक यू पानी। चलिए। हाँ देखा, इस घर में जब तक वो काम वाली बाई है ना, तब तक मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। आप किसकी बात कर रही हैं? अपनी मीरा डार्लिंग बानी, इस घर की काम वाली बाई। घर का इंटीरियर, घर की सजावट बिल्कुल खुद के चॉइस की तरह करके रखी, लो क्लास टाउन मार्केट। बानी प्लीज मुझसे एक वादा करो, मैं जब इस घर में आऊँ ना, उससे पहले ये सब बदलवा देना। कुछ अपने क्लास का, तुम्हारी चॉइस का, अच्छा कुछ इंटीरियर कर देना बानी प्लीज। रिलैक्स जिज्ञासा आंटी, जब आप घर में वापस लौट आएंगी ना, तब अपना मन चाहा इंटीरियर फिर से करवा लेना, ओके? अगर आपको किसी ने ऐसे यहाँ देख लिया ना बिना घूंघट के, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। घूंघट आगे कर लीजिए। चलिए आ जाइए। एक्सक्यूज मी आदि अंकल, ये आई है शुद्धिकरण के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ शुरू की। थैंक यू। चल
जिज्ञासा आंटी वो आदित्य का कमरा है ना? हाँ, संभाल के। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। आदित्य भी ना, अब तक आदत नहीं छूटी है, एक शर्ट निकालने के लिए सारे कपड़े बिखेर देंगे। और ये क्या है, ये किस तरह के कलर्स पहनने लगे हैं आदित्य? व्हाट इज दिस? गॉड, लुक एट दिस। ग्रीन कलर की बेड कवर, कुछ गोल्डन कलर के पिलोज, रेड कलर का लैम्प, और ये दीवारों पे टूटी हुई फ्रेम्स। नहीं, एक मिनट, मुझे आपसे काम था। देख, मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर पे गंगाजल छिड़क के इनकी शुद्धिकरण कर दीजिए। मेरी बीवी है जिज्ञासा, इस वक्त यहां नहीं है। अरे यहां होती तो किट 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 लगाए रहता। दिल की बहुत साफ है, बहुत चाहता हूं उसे, वो नहीं जानती क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग थी, कड़क, सबका भला चाहती थी ना, शायद इसीलिए। मैं जाने इस वक्त वो कहां है, लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जहां भी हो चैन से। यहां उसने किसी को चैन से नहीं रहने दिया। बहुत प्यार करता हूं उसे, इसीलिए चाहता हूं कि आप इसकी तस्वीर पे ही गंगा जल छिड़क के इसकी शुद्धिकरण कर दीजिए, ताकि जहां भी हो खुश हो, खुशहाल कर दीजिए ना प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया। सब ठीक है ना? उन्होंने पहचाना तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमरा कितना गंदा रखा आदित्य ने, हमेशा की आदत है सारे कपड़े बिखेर के रखे। वो रणवीर का रूम है, अभी भी यही रहता है, है वो अंदर? होना तो चाहिए, आप जाके देख लीजिए, ध्यान से जाइए। साल राखी बांधते ही हाथ मिला देती हूँ और साथ में हमारी जेबें भी खाती हूँ। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर क्या चाहिए? हम तो ये ढूंढते ढूंढते थक गए, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें कुछ देते हैं। क्या? हमारा बेशुमार प्यार। How mean? राखी के दिन हमें गिफ्ट भी नहीं दोगे? ये क्या, ये बच्चे भी हमको गिफ्ट देंगे? दो मिनट में अगर हमारे गिफ्ट नहीं आए ना, आदि अंकल और पापा को बता दें। yes. चलो वरुण भैया, आते अब देखते क्या करते हैं।
अजीब बात है ना कृष्णा, हम अथर्वा से पिछले 16 सालों से नहीं मिले, मगर हर साल उसके लिए एक राखी सजा कर रखते हैं, यही सोचकर कि कब वो आएगा और हम उसके हाथ में राखियां बांध देंगे। आएगा दी, सब कहते हैं कि अथर्वा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ दी कि वो आएगा। मेरा जुड़वा भाई है और ट्विंस में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मुझे पूरा एहसास है कि वो बहुत जल्द आएगा, फिर मैं ये सारी राखियां उसे बांध दूंगी। दी, वो आएगा ना? कृष्णा, कहते हैं कि आज के दिन पर बहन अपने भाई के लिए जो भी दुआ मांगे वो पूरी होती है, तो देखना हमारी दुआ जरूर पूरी होगी। No more tears. पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सब राखियां तो एक बॉक्स में भी रह सकती है, फिर ये पूरा का पूरा कवर्ड किस लिए? It's quite simple, विद्या। ये दोनों बहुत लालची हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है इनकी। जब अथर्व आएगा तो ये सारी की सारी राखियां एक साथ उसे बांध देंगे और उससे मिलने वाले सारे के सारे गिफ्ट ये अपने कवर्ड में भर देंगे। इसको वेरी सिंपल। तो कृष्णा, ये अपना इस साल के गिफ्ट पकड़ो और साफ कर। ये लो तुम सबके गिफ्ट। थैंक यू, वाओ। थैंक यू सो मच। कृष्णा बेटा, छोटी माँ प्लीज, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और मैं आज के दिन किसी को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। ये क्या करी? ऐसे बात करते छोटी मर्जी, ये मुझ पे क्यों सुन ला रही हो? उन्होंने जो मेरे साथ किया उसकी बात तो मैं ऐसा क्या किया छोटी माँ ने? उन्होंने तो मैं बचाने की कितनी कोशिश की। कोशिश वो की जो प्रियंका आंटी ने की थी। ये तुम्हारी जो छोटी माँ है ना, इन्होंने बस झूठे बहाने दिए रणवीर अंकल के। प्रियंका ने कुछ भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि इस घर के लोगों के नजर के सामने महान करने के लिए बेटे को इतनी करीब से देखा है। प्लीज अपने आप को संभालिए। देखिए, अब तक सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अब मीरा की बारी है। हाँ, जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। कहाँ है मीरा का कमरा? वो क्या ये इंतजार कर? जीवन छेड़े प्यार की धुन।